हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है यूट्यूब के सतीश कुमार साहा चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि MP3 टैग को यूज कैसे करते हैं। जैसे कि किसी भी गाने को हम लोग डाउनलोड करते हैं या किसी मूवी के गाने को डाउनलोड करते हैं तो उस पर उस फिल्म का टाइटल पोस्टर आता है और हमें वहाँ से उस फोटो को रिमूव करके अपना फोटो लगाना होता है। तो कैसे हम उस फोटो को हटाकर अपना फोटो सेव करें, जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे एक गाना है, इस पे ये इस फिल्म की या इस एल्बम की फोटो आ रही है, तो हमें ऐसा ही सेट करना है। और एक मेरे पास एक ऐसा गाना है जिसपे कोई फोटो और एल्बम नहीं है, तो इसी पे उसी टाइप से हमें कोई भी अपना फोटो सेव करना है। तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, चलिए हम आपको सिखाते हैं। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसी वीडियो आपको लगातार मिलती रहेंगी रोज। तो सबसे पहले हमको MP3 टैग डाउनलोड करना होगा, और इस MP3 टैग की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अब यहां से हम MP3 टैग को ओपन करते हैं, और ये देखिए ये हमारी गाना की जो लिस्ट है, यो जो मैंने सेलेक्ट की थी, तो वो आ चुकी है। तो उसको हम आपको नॉर्मल तरीके से ले जा सकते हैं। सबसे पहले फाइल में जाएंगे हम, और जहाँ हमारा गाना है वहाँ से अपना सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए ये मेरे सारे गाने हैं जिसपे कोई भी प्रकार की टैग नहीं है, मतलब कि वो कोई भी ऐसा एल्बम फोटो नहीं है। अब इस पे हमें कोई भी अपना फोटो सेव करना है कि जैसे हम कोई भी हम गाना को बजाएं तो मेरा फोटो आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑल फाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर इसे राइट क्लिक करते हैं। इसके बाद MP3 टैग यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है हमारा, राइट क्लिक करने के बाद MP3 टैग में जाएंगे, यहाँ से अब आ गया। और यहाँ से आप डिस्क की सिलेक्शन देख रहे हैं, डिस्क का स्पेस देख रहे हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ से आके ये गाने के जो लिस्ट है इन्हें कंट्रोल ए क्लिक करके, या आप सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं, जैसे मैं दिखा देता हूँ, सिलेक्ट ऑल हो गया। अब सिलेक्ट ऑल करने के बाद हमें यहाँ पे आके राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड कवर कर देंगे। ऐड कवर करने के बाद हमें वो अपना फोटो कोई सिलेक्ट कर लेना है, कि जैसे मैं ये अपना फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसे क्लिक करके ओपन कर देना है, ओपन कर दिया। अब इसे फिर हमें राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद हमें सेट कवर टाइप करना है। सेट कवर टाइप पे आने के बाद हमें आर्टिस्ट पे क्लिक कर देना है, और आर्टिस्ट के पे क्लिक करने के बाद हमें आराम से इसे सेव कर देना है। तो यहाँ से फाइल पे हम जाएंगे, फाइल के बाद सेव टैग कर देंगे, तो ये हमारा सेव होने लगे। और एक खास चीज यहाँ पे ये भी है कि आपको टाइटल क्या देना है तो आप दे सकते हैं, जिससे आपको वीडियो गाना खोजने में आसानी हो। तो जैसे मैं अपना नाम दे देता हूँ, ये मेरा टाइटल हो गया तेज कुमार सा। आर्टिस्ट में अपना नाम दे दिया, कोई भी टाइटल, टाइटल यहाँ पे डेट, ट्रैक, जेनर कुछ भी आप दे सकते हैं। उसके बाद फिर से हमें सेव टैग कर देना होगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा टाइटल और आर्टिस्ट सभी आ गया। अब इसे यहाँ से आपको कट कर देना होगा। कट करने के बाद देखिए अब यहाँ से हम फाइल जाएंगे। अब जहाँ हमारा जिस गाने को हमने सेलेक्ट किया था वहाँ जाके अब हम चेक करते हैं। तो फिर हम यहाँ पे अपने गाने को खोलेंगे। यहाँ देखिए ये हमारा फाइल था गाने का। अब देखिए अब सभी फोटो अब इस पे आ चुका है। अब इसे हम प्ले करते हैं, तो ये देखिए प्ले होने के बाद ये हमारा गाना बजने लगा। तो ये है ना कमाल का ट्रिक। तो अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड फॉरवर्ड जरूर करें। अगर आपको किसी भी प्रकार की इस वीडियो से कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर करें, मैं उसका हल जरूर आपको कमेंट में बताऊंगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ऐसी वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। धन्यवाद।